दिल्ली में फिर दंगे भड़काने की साजिश हुई। हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में उपद्रवी सड़क पर उतरे, जमकर हथियार लहराए गए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, लाठी डंडों से हमला तक किया गया। लेकिन अब पुलिस दंगे की साजिश रचने वालों पर नकेल कस रही है। हिंसा में शामिल एक एक आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। सोलह अप्रैल को फिर दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हुई। हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा पर पहले पथराव हुआ, फिर तलवारें लहराई गई, फिर गोलियां भी चली। भारी तादाद में उपद्रवी सड़क पर उतर आए, सभी के हाथ में हथियार और पत्थर थे। डराने वाली तस्वीर ये कि पत्थरबाजी में महिलाएं और बच्चे भी पीछे नहीं रहे, ये भी हाथ में हथियार थामे पत्थर बरसाते रहे। शोभा यात्रा में शामिल चश्मदीदों के मुताबिक उपद्रवियों ने पत्थरों के साथ कांच की बोतलों से भी हमला किया। यहां तक कि तिरंगे वाले कारवां को भी नहीं बख्शा गया, उस पर भी पत्थरों की बरसात की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक बांग्लादेश से आए और रोहिंग्या घुसपैठियों का अड्डा है और इन्होंने ही साजिश को अंजाम दिया है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बसे हैं, इनको प्रॉपर बुलाया गया था और जो इन्होंने यहाँ ये सब करा वो यहाँ के लोग नहीं थे। मैं बता दीजिएगा, ये प्री प्लानिंग है इनकी। हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों को रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए, पहली बात, पहला नंबर। और सबसे ज्यादा यहाँ पे स्नेचिंग, शटर तोड़ने, ताले तोड़ने, ये भी है, रोहिंग्या भी है। हाँ वही, वो सारे वही है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लूट घसोट ये करते हैं। औरतें, हमारी महिलाएं यहाँ से निकलती हैं, सोने की चैन तोड़ ली जाती है, कान की बालियाँ छीन ली जाती हैं, कान फाड़ दिए जाते हैं, फोन छीन लिए जाते हैं, चाकू अड़ा देते हैं ये लोग। मतलब सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यहाँ पे ये लोग करते हैं। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन जहांगीरपुरी की सड़कों पर, गलियों में उपद्रव, हिंसा के निशान इसकी गवाही दे रहे हैं कि दंगे से दिल्ली को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। जहांगीरपुरी दंगे पर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी अंसार समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 14 आरोपियों को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी अंसार और असलम को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है, जबकि 12 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों में दो नाबालिग भी शामिल है। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार से पुलिस ने उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है जिससे उसने शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग की थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अंसार और असलम को 15 अप्रैल को पता था कि 16 तारीख को यहां से शोभा यात्रा निकलेगी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में हिंसा की पूरी कहानी बयां की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा शाम 4:15 बजे जहांगीरपुरी की ई ब्लॉक से शुरू हुई। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा महिंद्रा पार्क पर समाप्त होनी थी। शाम 6 बजे शोभा यात्रा सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के पास पहुंची। अंसार नाम के आदमी ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस की। बहस बढ़ने पर दोनों पक्षों में पथराव हुआ और भगदड़ मच गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जहांगीरपुरी दंगे का स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि कई वीडियोस में बच्चे भी पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। सभी संवेदनशील इलाकों पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। दिल्ली में राजूराज, नीरज गौड़, शिवांक मिश्रा, आदित्य प्रताप सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।